सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक लड़की थी बहुत हसास तबीयत की और उसके बूढ़े माँ बाप थे और उसकी चार पांच बहनें थी। अभी बहनों की शादी नहीं हुई थी, उसकी खुद की भी नहीं हुई थी और बाप को ऐसा मर्ज हो गया था कि रोजाना दवाइयां चाहिए थी और दवाएं बड़ी महंगी थी और मां भी मरीज थी, कोई भाई नहीं था उसका। और जब गुर्बत आती है तो रिश्तेदार भी कोई काम वाम नहीं आते, ये सब फजूल बातें हैं। अब कोई रिश्तेदारी नहीं, सब बोलने की बातें। कहते हैं जब पैसा पास में हो तो दूर के रिश्तेदारों को भी चच्चा बाबा कह के बुलाया जाता है और पैसा पास नहीं हो तो सगे भाई को भी कोई भाई कहने के लिए तैयार नहीं। आज सब पैसा हो गया। गुर्बत थी, गरीबी थी, मुफलिसी थी, कुछ नहीं था, खाने पीने का नहीं था तो दवा का इंतजाम क्या होता। बहनों को रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। कुछ लड़कियां होती है बड़ी हसास, वो भी हसास किस्म की थी। उसने सोचा मांगते हैं, कोई देता नहीं, कोई मदद नहीं करता, कोई इमदाद नहीं करता, क्योंकि इमदाद भी तो वहां होती है ना। इमदाद कहाँ होती है पता है? जहां पोस्टर छपते हैं, जहां बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाती है, इमदाद वहां होती है। अब वो लोग कहाँ रहे कि जो सीधे हाथ से देते हैं तो उल्टे हाथ को भी खबर ना हो। अब वो लोग कहाँ? वो लोग नहीं रहे इल्ला माशाल्लाह, चले गए कब्रों के अंदर। अब तो नाम चाहिए, नाम। और इंसान पूरी जिंदगी नाम के लिए मरता है और जिस दिन मर जाता है सबसे पहले जो उससे छीना जाता है वो उसका नाम ही होता है। इंसान नाम के लिए मर रहा है, सब काम नाम के लिए कर रहा है, ये नाम के लिए, वो नाम के लिए, वो नाम के लिए, वो नाम के लिए। मैयत में भी जा रहा है तो नाम के लिए, जनाजे में भी जा रहा है नाम के लिए, शादियों में भी जा रहा है नाम के लिए, रिलीफ भी तकसीम कर रहा है नाम के लिए, नाम नाम नाम। जिस दिन मरेगा ओ बदबख्त, जिस दिन मरेगा अल्लाह के लिए तूने कुछ नहीं किया, सबसे पहले तेरा नाम ही छीना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि फुलां को उठाओ, फुलां को बिठाओ, फुलां को निलाओ, फुलां को ले जाओ। नहीं, लोग कहेंगे मैयत कब जा रही है, मैयत कब उठा रहे हैं, मैयत को कब निला रहे हैं, मैयत को कब दफन करें। अरे तुझे मैयत का नाम दे दिया। और जिसने नाम के लिए काम नहीं किया, अल्लाह के लिए किया, अगर उसको 900 साल हो गए कब्र में जाने के लिए तो आज भी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहन दिल्ला के वजीफे पड़े जा रहे हैं, वजीफे पड़े जा रहे हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए काम किया और आज भी वो वजीफे काम आ रहे हैं। गरीब नवाज का नाम आज भी या खाजा आज भी पुकारा जा रहा है, या मोइन हक मोइन की सदाएं आज भी लग रही है, या फरीद हक फरीद की सदा आज भी लग रही है, या साबिर हक साबिर की सदा आज भी लग रही है, और इंशाअल्लाह या अली मौला का नारा तो कयामत तक लगता रहे। जिन्होंने अल्लाह के लिए काम किया आज भी उनके नाम मौजूद है और ये नाम बिगड़ियां बना रहे हैं। नाम के लिए मत जियो, अल्लाह के लिए। वह महया وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, हमारा जीना भी अल्लाह के लिए, हमारा मरना भी अल्लाह के लिए। इतनी छवि बिगड़ गई नेकी की, कोई ज्यादा सोशल वर्क करने लगता है तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन में खड़े होने का इरादा होगा शायद। अब अगर कोई जलसा भी करता है बेचारा इस्लाम मुआशरा का तो लोग यही कहते हैं कि इसका भी वही इरादा होगा, इसलिए कि लोगों ने नेकियां इसी की, अल्लाह के लिए थोड़ी किया ना, इल्ला माशा किया लोगों ने अल्लाह के लिए, बदनाम किया नेकी। लेकिन आपसे कहता हूं अल्लाह के लिए नेकी करके देखो, मर के भी जिंदा रहो। वो लड़की थी बहुत हसास तबीयत की, उसने सोचा कि कोई ना चंदा देता है, ना कोई मदद करता है, ना कोई इमदाद करता है। आज उसने फैसला कर लिया कि मैंने आज से जिस्म बेचने का कारोबार शुरू करना है, जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू करना है, इसलिए कि मेरा घर जो चल सकता है बड़ी रकम से ही चल सकता है, क्योंकि सैकड़ों हजारों रुपए तो माँ बाप की दवा में, फिर बहनों की शादी। मेरी आबरू बिक जाए, अगर बहनों की इज्जत से शादी हो जाए तो फिर इसमें से बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी, और मेरे माँ बाप का इलाज होता रहे, मरने से बच जाएंगे, इससे बेहतर क्या होगा। मैं एक तबाह हो जाऊंगी लेकिन पूरा घर तबाही से बच जाएगा। उसने बुरका ओढ़ा, उसके पास मेकअप के लिए सामान भी नहीं था, मुंह धोया, बुरका ओढ़ा, लेकिन गरीब थी मगर कुदरत ने हुस्न बहुत दी, हसीन थी। शाम को चुपके से बाबा की इजाज़त और माँ की इजाज़त के बगैर बुरका ओढ़ करके वो
हुस्न की मंडी में पहुंची और वहां जाकर के अपना फटा पुराना बुर्का उतारा, कपड़े भी अच्छे बहुत नहीं थे, और बैठ गई। लेकिन पूरे बाजार हुस्न में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं था। औरों की यहां बनावट थी, इसके यहां हकीकत थी। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। आज उसकी मजबूरी उसको बाजार हुस्न में बिठाने पर मजबूर कर गई और वो बैठी थी। और इस तरह की कितनी बेटियां होगी मुसलमानों की जिनको मजबूरियां वहां तक ले जाती होगी। लेकिन याद रखना, बड़ी दाढ़ियां बड़ी टोपियों वालों, एक एक दो दो करोड़ रुपए मस्जिद के मीनार और गुंबदों में खर्च करने वालों और गरीबों का ख्याल न करने वालों, कहीं तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे फेंक ना मारी जाए कि तुमने नामो नमूद की खातिर तो कौम के पैसे को बर्बाद किया लेकिन कौम की गरीब बेटियों की जरूरत का तुमने ख्याल नहीं किया। क्या जवाब देंगे लोग अल्लाह की बारगाह के अंदर? वो बैठी थी बाजार हुस्न में, सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन चूंकि माँ बाप ने तरबियत ऐसी की थी कि उसकी नजर किसी मर्द की तरफ उठती नहीं थी, जो भी मर्द आता था उसका कलेजा धक धक करता था, वो कंखियों से चुराई हुई नजरों से देखती थी कि आने वाला आ रहा है। लेकिन कुदरत का करना कि अजीब क्या मामला होता था कि हर आने वाला जब उसके करीब आता था तो उसकी नजर झुक जाती थी, उस पर नजर उठती नहीं थी किसी, नजर झुक जाती और वो आगे चला जाता था, किसी और को लेके चला जाता, ये सोचती थी अब कोई ले जाएगा अब कोई ले जाए, लेकिन कोई उसको ले ना गया। हत्ता के निसफ शब गुजरी, आधी रात गुजरी और बाजार हुस्न खत्म हो गया, गाहक भी खत्म हो गए। ये रोने लगी, आज इतना बड़ा फैसला किया था आबरू बेचने का सिर्फ माँ बाप की बीमारी के लिए, बहनों की शादी के लिए, लेकिन किस्मत की मारी, किस्मत की मारी थी लेकिन किस्मत की हारी नहीं थी, किस्मत की मारी। आज यहां से भी नाकाम, जाहिरी नाकाम लेकिन हकीकत में कामयाब लौट रही थी। उसने कहा मैं नाकाम जा रही हूं कि मेरे हुस्न को किसी ने खरीदा नहीं। फिर बुर्का पहना और सिसकियां लेते हुए रोते हुए जब वो अपने घर की तरफ बड़ी झोपड़े की तरफ दस्तक दी, घर में कोहराम था, शरीफ की बेटी चंद घंटे घर से गायब हो जाए तो उनके लिए तो मौत से बदतर होता है वो दिन। पूरे घर में को बहने रो रही है, मां रो रही है, बाप रो रहा है, मेरी बेटी कहां गई, मेरी बेटी दस्तक हुई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, दरवाजा खुला, अंदर आई, बाप ने कांपते हुए बिस्तर से उठा और कहा कि कहां गई थी आधी रात, पहली बार कहां गई थी। बेटी ने कहा बाबा पहले माफ करो, पहले माफ करो फिर बताऊंगी कहां गई थी। कहा तुझे माफ तो कर दिया लेकिन पहले बता कहां गई थी। बेटी ने बाप के कदम पकड़कर मां के हाथ थरथराते हुए थाम करके कहा आज बहुत बड़ा फैसला कर लिया था क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी इमदाद नहीं करता, घर में खाना नहीं है तो तुम्हारी दवा का इंतजाम कहां से होगा, कोई बेटा नहीं है आपका, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती, तुम्हारी बीमारी को बढ़ता नहीं देख सकती, तो मैंने फैसला किया था कि अपना जिस्म बेच दूंगी आज और जिस्म बेच करके बड़ी रकमें आती है तो उसी रकम से तुम्हारी बीमारी का इलाज भी करूंगी, बहनों की शादियां भी करूंगी। बाप की नजरें फटी के फटी रह गई, माँ की नजरें फटी के फटी रह गई, बहने मुंह खुल गए, क्या कह रही हो? फिर क्या हुआ? और कहा फिर हुआ ये कि आज मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर चुपके से बाजार हुस्न में जिस्म बेचने के लिए गई थी लेकिन जो भी आता था खुदा जाने क्या होता था उसकी नजरें झुक जाती थी, आगे बढ़ जाता था आगे बढ़ जाता था, हत्ता के सब चले गए, बाजार हुस्न खत्म हो गया, गाहक भी खत्म हो गए, लेकिन मेरे हुस्न को कोई खरीद ना सका और मैं नाकाम लेकिन हकीकत में कामयाब लौटी। बाप ने अपनी बेटी की पेशानी चूम के कहा मेरी बेटी, वल्लाह अल्लाह बिल्ला अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि एक रात तू वहां बैठी, अगर 1000 रात भी तू वहां बैठती तो तेरे हुस्न को कोई खरीद नहीं सकता था और तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि बेटी मुझे अपने किरदार पर नहीं अपने नबी के फरमान पर एतमाद है। मेरे नबी ने कहा कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। तेरा बाप गरीब था लेकिन आज तक तेरे बाप ने
किसी औरत को नजर भर के नहीं देखा। जब मैंने किसी को नजर भर के नहीं देखा तो कोई मेरी बेटी को पाप की नजर से कैसे देख सकता है। अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू की इज्जत की हिफाजत फरमाई। और वो बाप रोने लगा। अंदाजा फरमाएं, ये है निगाहों का तकद्दुस। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां बच्चे महफूज रहें, अल्लाह की बारगाह में हम मुत्तकी बने, निगाहों के मुहाफिज बने और किसी की आबरू को तहफ्फुज फराहम करें। अल्लाह हम किसी की आबरू अपनी ताकत के मुताबिक बचाएंगे, अल्लाह हमारी आबरू को अपनी शान के मुताबिक बचाएगा।